भाई आई थिंक लिख लो रिलेटिव वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी या फिर वर्टिकल डायरेक्शन। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी, तो दो पार्टिकल जब हवा में रहते हैं ना, जैसे इसको छोड़ दिया या फिर प्रोजेक्टाइल फेंक दिया, है ना, कोई भी वर्टिकल मोशन में फेंक दो या प्रोजेक्टाइल फेंक दो, तो उनका एक्सेलरेशन कितना हो रहा था जब पार्टिकल हवा में होते हैं, एयर में होते हैं? वर्टिकल में माइनस जी बोल दो, ठीक है। दोनों का सेम होता है क्या? दो पार्टिकल अगर हवा में, मान लो दो पार्टिकल है, ये हमारा पहला पार्टिकल है मान लो, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा? जी इस डायरेक्शन में होगा। एक और पार्टिकल मान लो ऐसे, तुमने ऐसे हवा में कैसे भी फेंक दिया, अभी यहाँ पर है ये दूसरा पार्टिकल, अब इसका कैसा होगा एक्सेलरेशन? ये तो यू स्पीड बता रहे हैं इससे, तो है ना, एक्सेलरेशन तो इसका भी जी होगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछो, एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ टू, जी माइनस जी, जीरो। मतलब दो प्रोजेक्टाइल्स या फिर कोई भी दो पार्टिकल जब हवा में होते हैं तो उनके बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि दोनों के दोनों जी एक्सेलरेशन से फॉल कर रहे हैं। आई बात समझ में दिख रहा है क्या? तो लिखो इसे, नोट लिखो, हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं इंडीड क्वेश्चन। पांच पांच मिनट के क्वेश्चन 30-30 सेकंड में होते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ टू फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल्स नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज जीरो। तो अब हमें याद रखना उनके बीच का, जब भी दो पार्टिकल हवा में है तो उनके बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन टू फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल्स अंडर द या फिर अंडर ग्रेविटी नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे हमारे, आसान करेंगे फिर। ये मान लो एक पार्टिकल है, इसको फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे एक और पार्टिकल है मान लो 40 मीटर पे, या फिर 20 मीटर पर ले लो, इसको फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से ना, ठीक है। फाइंड द टाइम, दोनों सेम लाइन में ना, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड। एक तो अपना नॉर्मल तरीका है कि सेम टाइम पे सेम पोजीशन होनी चाहिए कोलिजन के लिए, तो तुम ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हो भाई कि टी टाइम पे ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, दोनों की इक्वेशन लगा देना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। ये तो तुम कर ही लोगे। हम करते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज, है ना, तो हम करेंगे भाई दूसरी मेथड से कर रहे हैं। हम कौन सी मेथड से कर रहे हैं? मेथड नंबर टू ले लो, रिलेटिव वेलोसिटी। मेथड नंबर वन तुम खुद से ट्राई करना है, घर पे जाके ग्राउंड फ्रेम से करना है ना, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ग्राउंड फ्रेम से, जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वर्टिकल वाले, सेम टाइम पे सेम पोजीशन कर देना, आंसर आ जाएगा। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे इसको सॉल्व। तो तुम कौन बनना चाहते हो, उनको नाम दे दो, ए और बी नाम दे दो, कुछ एक बनना है तुम्हें, ए बनना है या बी बनना है बताओ जल्दी। बी बन गए ना, तो फिर भाई बी के रिस्पेक्ट में लिखो सब कुछ। तो वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। ए की कितनी इनिशियल वेलोसिटी? माइनस 10, बी की कितनी है? 20, तो कितनी आ गई? माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, जी माइनस माइनस जी इक्वल टू जीरो। अभी पढ़ा तो था, दो पार्टिकल्स जब हवा में होते हैं तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है, यही तो लिखा था। तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, क्योंकि इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, तो कांस्टेंट स्पीड वाला क्वेश्चन बन गया ये तो। हाँ, तो कितना आ जाएगा चलो बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में, बी के हिसाब से तो बी यही रहेगा ना, समझ में आ रहा है? बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर बी की फ्रेम से देखेंगे तो अपन को ऐसा दिखेगा, बी यहाँ पर है और बी रेस्ट पे, बी कहीं नहीं जा रहा, ए यहाँ पे, ए नीचे आ रहा है कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड से। ए का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है वे नीचे, और कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा जब वो नीचे आएगा? तो 40 मीटर, तो माइनस 40 मीटर हो गया, समझ में आ गया क्या? तो कितना हो जाता है अपना, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस 40 मीटर, वेलोसिटी कितनी है? माइनस 30 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर गया, तो कितना है तुम्हारा? 4/3 सेकंड। देखो निकाल दिया, कोई डाउट है तो देखो। क्यों इतना आसान हो गया? क्योंकि वैसे तो दोनों पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हैं, पर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो उससे बहुत आसान हो गया। तो बी के रिस्पेक्ट में बस ए नीचे आ रहा है और ग्राउंड नीचे जाता जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। पर देखो कोई डाउट हो तो सोचो, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 30 दिख रही है, 40/30 कर दिया सीधा सीधा, एक्सेलरेशन जीरो, हमको पता है 40/30 का 4/3 सेकंड आंसर आ गया, तुरंत आ गया। एग्जाम में ऐसे करना, देख के जवाब देना एग्जाम में, ये सब समझाने के लिए इतना बड़ा लिख रहा हूं। बड़े आगे करे और क्वेश्चन, ठीक है लिखो। ए बी दो पार्टिकल है, सेम हाइट से फेंके हमने ना, एक ऊपर के डायरेक्शन में फेंक दिया 40 मीटर पर सेकंड से, एक को नीचे के डायरेक्शन में फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 2 सेकंड्स। तो नॉर्मल तरीका तो सबको पता है, मेथड नंबर वन तो ग्राउंड फ्रेम में ना, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो 2 सेकंड में, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो 2 सेकंड में, दोनों को ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। पर हम तो रिलेटिव से आसान है, रिलेटिव से करेंगे। मेथड नंबर वन तुम कर लोगे भाई ग्राउंड से, अब कर रहे हैं रिलेटिव से। तो कौन बनना चाहते हो, ए या बी? बी बनना है, चलो बी बन जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी कर लेते हैं। तो बी के रिस्पेक्ट में भाई क्या सिचुएशन है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया भाई? ए की है माइनस 10, बी की है माइनस 40, मतलब माइनस प्लस 40, तो माइनस 50 आ गया। तो क्या आ जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम, और टाइम हमको कितना दिया है? 2 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड के कितना आया? 100। नेगेटिव का मतलब क्या है? बी के रिस्पेक्ट में नीचे होगा डिस्प्लेसमेंट और ए के रिस्पेक्ट में ऊपर होगा,
तो बी के लगेगा कि वो वहीं के वहीं है और ए बस 50 मीटर नीचे चला गया। आसान क्यों हो जा रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है यार, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन बन गए। वैसे तो ग्रेविटी लग रही है पर क्वेश्चन बहुत आसान हो गए। और भी देखेंगे, प्रोजेक्टाइल वगैरह वाले भी बहुत आसान होंगे अभी तो हमारे क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी देखते फटा करना है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है 40 + 10 = 50, अपोजिट में जाते हैं तो ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होती है। तो 40 + 10 = 50, दो सेकंड बाद पूछा 50 × 200। जे एडवांस का पेपर देखा कितने लोगों ने? देखा, सॉल्व करा घर पे जाके? ये तो ऐसे गिरी। कब हो गया सर जे एडवांस? कल हुआ था, कल थोड़ी ना हुआ है, परसों हुआ है। देखा किसी ने घर पे जाके करा सॉल्व? बोल, मैथ्स तो एवरेज थी, फिजिक्स जरूर टफ आई थी इस बार। तो तुम्हारे लिए एक दिन पेपर सॉल्व करवा देते हैं जे एडवांस का पेपर, कम से कम वो तो सॉल्व करो, करना चाहिए तो धर्म है तुम्हारा भाई, तैयारी कर रहे हो अब फिर से, है ना। ठीक है, लिखो और क्वेश्चन लिखो।